सो यहाँ पे हम कंपाउंड है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच, सॉरी फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल लिखना है, दिस इज सी एच टू ओ एच एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज नथिंग बट वॉट सी एच टू ओ एच, वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर, सो दिस हाइड्रोक्सी पोजिशन इज हियर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो दिस इज वॉट अगेन सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज, दिस इज वॉट फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, तो ये हमारा हुआ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, सो दिस इज द फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, कार्बन वन टू नंबर थ्री फोर एंड फाइव सिक्स कार्बन, यहाँ पे हमको लिखना है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, आई एम राइटिंग अगेन, आपको हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप हमको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है, सो दैट इज नथिंग बट वॉट आई एम राइटिंग दिस इज वॉट हाइड्रोक्सी ग्रुप, दिस इज नथिंग बट वॉट सी एच टू ओ एच, सो दिस इज विच आर गोइंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फाइव मेंबर रिंग एंड सिक्स मेंबर रिंग, सो दी आर कार्बन एटम फर्स्ट कार्बन एटम सेकंड थर्ड वन फोर्थ, अब यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप थर्ड कार्बन कौन से कार्बन, सॉरी यहाँ पे कौन सा है सी एच ओ नहीं है सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे है हमारा सी एच टू ओ एच, सो दिस इज हाउ दिस कार्बन नंबर फर्स्ट सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, ये जो थर्ड कार्बन है फोर्थ वन फिफ्थ वन एंड सिक्स वन, थर्ड कार्बन का ओ एच कहाँ पे है लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है तो टॉप पे लेना है, सो दिस इज ओ एच एज टॉप हाइड्रोजन एटम, दिस ओ एच एज बॉटम, दिस ओ एच ऑल्सो बॉटम, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम है हमने यहाँ पे लिखा, सो दिस इज वॉट हाइड्रोजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, तो पहले ऐसा लिख लेना है, उसके बाद अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा तो कौन सा ये मिलेगा देखना है, दिस बॉन्ड इज ब्रेक देन व्हाट हैपन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, अब देखना है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव मेंबर यहाँ पे जनरेशन होगा, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फाइव मेंबर रिंग हेटरोसाइक्लिक, सो दैट इज व्हाट फाइव मेंबर हेटरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल, दिस इज द ईथर लिंकेज इज फॉर्म फाइव मेंबर हेट्रोसाइकल, दिस इज सी एच टू ओ एच, ये सी एच टू ओ एच कहाँ से आया, ये सी एच टू ओ एच, दीज आर द सी एच टू ओ एच, ये वाला कार्बन एक कार्बन दोन, उसके बाद ये हाइड्रोक्सी ग्रुप आया बॉटम पे, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है हमारा टॉप पे, सो दिस इज वॉट बॉटम, दिस वन इज बॉटम हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे लिखा हमने ये बॉटम पे और यहाँ पे है हमारा टॉप पे, उसके बाद ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा बॉटम पे है और ये सी एच टू ओ एच, ये हाइड्रोजन एटम और ये हमारा सी एच टू ओ एच, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सी एच टू ओ एच, दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन एटम, अब ये हो गया हमारा, दिस इज अल्फा अल्फा डी, दिस इज अल्फा डी व्हाट व्हाट इज द नेम अल्फा डी, ये फ्यूरेनोज है, सो दिस इज व्हाट फ्रुक्टोज से बना, फ्रुक्टोज से बना अल्फा डी फ्रुक्टो फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वी कैन चेंजेस दिस टाइप्स ऑफ द कार्बन एंड इट इज गोज टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट व्हाट अपन हियर देयर इज अ ऑक्सीजन आइटम इज हियर, ऑक्सीजन आइटम इज हियर एंड दिस इज व्हाट अगेन फाइव मेंबर रिंग, अगेन व्हाट फाइव मेंबर रिंग इज व्हाट हियर देयर इज अ आई एम राइटिंग हियर ऑक्सीजन आइटम, दिस इज द फाइव मेंबर रिंग, दिस इज द फ्यूरेनोज रिंग, दिस सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच यहाँ पे इसका पोजिशन चेंज करना है, ये हो गया ओ एच सी एच टू ओ एच, अगेन दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एज इट इज, दिस हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑल्सो एज इट इज एंड हियर इज व्हाट आर सी एच टू ओ एच, तो यहाँ पे एक पोजिशन को हमने क्या किया चेंज किया, सो दिस टाइप्स ऑफ द कार्बन और रिप्रेजेंटेशन दिस नथिंग बट व्हाट बीटा डी फ्रुक्टो बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज नथिंग बट द रिलेशन ऑफ अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज एंड बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोज
आर वॉट एनोमर टू इच अदर, तो ए एक दूसरे के कौन हुए, एनोमर हुए। सो दिस इज वॉट द रिलेशन, दिस आर द हावर्ड पोजिशन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, हावर्ड पोजिशन फॉर्मूला ऑफ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। अब देखो आप, ये जो कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हम कभी ऐसा अटैक करते है ना, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब यहाँ पे हम अटैक करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मेंबर रिंग हमका यहाँ पे बनेगा। सो दैट इज नथिंग बट रिड्यूसिंग शुगर। अब यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट हियर, 6 मेंबर रिंग। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रिंग बनेगा, सो देयर इज अ जनरेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग, दिस ऑक्सीजन एटम, दिस फॉर्मेशन ऑफ CH, दिस CH अगेन, दिस रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, डिफरेंट। अब देखो ये CH2 है, ये CH2 हमने यहाँ पे लिखा, सो दिस इज द CH2 एटम्स, ओके। सो दिस इज नॉट ऑक्सीजन एटम, आई एम राइटिंग दिस इज व्हाट, CH2, यहाँ पे CH2 एटम्स है। उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन हुआ, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे आया, बॉटम पे आया। उसके बाद ये CH2OH एज इट इज है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी एज इट इज है यहाँ पे, ये भी हाइड्रोक्सी ग्रुप बॉटम पे एज इट इज होगा। उसके बाद ये हाइड्रोजन, देखो एक बार मैं और बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द फेनोमेनन वी कैन हैविंग दिस वाटर। अब यहाँ पे ये CHOH है, देखो ये CH यहाँ पे OH है ना, यहाँ पे कौन है, ये फोर्थ नंबर का कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का कार्बन, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे आएगा, सो दिस इज द OH एंड दिस वन इज EH, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द नेम इज नथिंग बट व्हाट, पायरेनोज। सो व्हाट इज द नेम, इट इज व्हाट, किससे फॉर्मेशन हुआ, फ्रुक्टोज से, तो उसको क्या कहेंगे, दिस इज नेम अल्फा डी फ्रुक्टोपायरेनोज। सो नेम इज, नेम ऑफ द कंपाउंड इट इज व्हाट, अल्फा डी फ्रुक्टोपायरेनोज, ये बना हमारा अल्फा डी फ्रुक्टो पायरेनोज। अब इसका पोजीशन हम कभी चेंज करते है ना, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर लिखेंगे, CH2OH नीचे लिखेंगे, तो वो बनेगा हमारा बीटा डी फ्रुक्टो पायरेनोज। अब ये दोनों का रिलेशन रहेगा एनोमर टू इच अदर, किसका किसका, अल्फा डी फ्रुक्टो पायरेनोज एंड बीटा डी फ्रुक्टो पायरेनोज। मतलब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये ऊपर जाएगा CH2OH नीचे आएगा, सो दिस इज नथिंग बट अल्फा डी फ्रुक्टो पायरेनोज एंड बीटा डी फ्रुक्टो पायरेनोज। अगेन दिस वी हैव बीन प्रिपेयर्ड दिस 5 मेंबर रिंग एज वेल एज 6 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे हमने क्या कहा, फ्यूरानोज कहा और 6 मेंबर रिंग है तो पायरेनोज कहा। तो यहाँ पे फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का हमने हावर्ड पोजिशन फॉर्मूला बनाया, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, अगेन यार अल्फा डी फ्रुक्टोपायरेनोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोपायरेनोज। सो दीज आर द हावर्ड पोजिशन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल।